हेलो बच्चों, आज मैं आपको बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मेरी गारंटी है कि ये आपके एग्ज़ाम में 99.9% पक्का आना ही आना है, और अगर 0.1% नहीं भी आया तो आपकी बुरी किस्मत होगी, बट ऐसा नहीं होगा, आएगा। और अगर नहीं भी आया कोई क्वेश्चन तो आपको मैं इतना करा दूंगा कि आप उसके बेस पे करवा सकते हो। तो आओ मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित देशों की विशेषताएं क्या होती है? अब देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले या कुछ भी बुक पढ़ने से पहले अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल लोगे तो आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, और आपको याद करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी लाइफ से उसको रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डेवलप्ड नेशन, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश या अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप नेशन, इनको कराने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर आप जो अंडर डेवलप अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसको मान के चलो गरीब लोग, और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है इसको मान के चलो मिडिल क्लास लोग, और जो विकसित अर्थव्यवस्था है इसको आप मानो अमीर लोग। तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और गरीब लोगों का एग्जाम्पल लोगे तो आप उसे भूटान अज्यूम कर लेना, ये सिर्फ इमेजिनरी एग्जाम्पल है। आप ये मत ब्लेम करना कि मैंने आपको भूटान बताया गरीब, कि पता लगा मुझ पर केस कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक एग्जाम्पल ले लो इसके अंदर। चलो आते हैं। अब देखो, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको हम क्यों गरीब बोलते हैं, मिडिल क्लास को क्यों मिडिल क्लास बोलते हैं, और अमीर लोगों को क्यों अमीर लोग बोलते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं कि ये बंदा गरीब है, ये बंदा अमीर है, और ये मिडिल क्लास है। तो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। अब प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? अब सिंपल सा है, एक बंदा जितना पैसा कमा रहा है वो उसकी प्रति व्यक्ति आय है। हालांकि हमें अपने जीवन में अपने डेली बेसिस पे जो इनकम मिलती है एज अ पर्सन वो मंथली कैलकुलेट होती है, बट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है एनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होती है चीजें। तो देखो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। हमारे पास 2010 का डाटा अवेलेबल है जो मैंने किसी बुक से लिया है। 2010 के अंदर जो देश विकसित थे उनकी उनकी प्रति व्यक्ति आय सालाना एनुअल एनुअल कितनी थी? 37,318 डॉलर। इसमें आप ले सकते हो अमेरिका को, क्योंकि आपको पता ही है अमेरिका कितना विकसित देश है, आर्थिक मामले में वो बहुत स्ट्रोंग है। सेकंड, अल्प विकसित देश, यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं भूटान को, क्योंकि आपको पता ही है भूटान एक गरीब देश है, वो इंडिया से भी काफी लो है, इंडिया तो काफी आगे पहुंच चुका है, वो इंडिया से बहुत पीछे है। तो देखो, अगर आपको बताना है विकसित देश क्या होता है तो आप बताओगे जहां पर प्रति व्यक्ति हर इंसान अप्रोक्स, ये एक एवरेज होता है, ऐसा नहीं कि आप हर आदमी इतना कमा रहा है, ये एक एवरेज लिया गया है, जहां पे ऑन एन एवरेज एक बंदा 37,318 डॉलर, 37,318 डॉलर कमाता है एनुअल, उस देश को क्या बोलते हैं? विकसित देश। और जिस देश के लोग एवरेज 1,305 डॉलर कमाते हैं उस देश को क्या बोलते हैं? अल्प विकसित देश। अगर यहां आपको एक्साइटमेंट होगी या फिर आपका मन होगा कि इंडिया कितना कमाते हैं, तो इंडिया के जो लोग हैं वो सालाना एनुअली 3,400 डॉलर, 3,400 डॉलर कमा अर्न करते हैं। और हमारा जो एक कंपिटिटर देश है चाइना, वहाँ के लोग 7,640 डॉलर सालाना कमाते हैं। तो इस बेस पे कह सकते हैं हम कि हम ना तो विकसित है ना ही अल्प विकसित, मतलब हम बीच में आते हैं। बीच में कौन आता है? विकासशील देश। तो भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। सेकंड पॉइंट, पूंजी की कमी। आपको पता है गरीब इसीलिए गरीब होता है क्योंकि उसका पैसा नहीं होता, अगर पैसा होगा तो अमीर ही कहलाएगा वो। तो वही स्थिति अर्थव्यवस्था के साथ भी होती है। जो अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है उसका रीजन ये होता है कि उसका पूंजी की कमी होती है, या फिर कह सकते हो जिस देश के पास पूंजी की कमी है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं 10,000
मंथली कमाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरी सेविंग होगी, मेरी इनकम कम है मेरी सेविंग कम होगी। और सिंपल सी बात है, जो मेरी सेविंग मेरी बचत कम है तो मैं निवेश ज़्यादा कैसे कर पाऊँगा, तो मैं निवेश भी कम करूँगा। और सिंपल सी बात है यार, निवेश कम करा तो प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा, प्रॉफिट भी कम ही आना है। लेकिन जो देश विकसित होते हैं वहाँ के लोगों की इनकम भी ज़्यादा होती है, सेविंग्स ज़्यादा होती है, सेविंग ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, हम जो पैसा सेव करके रखते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं हम सारा पैसा घर में छुपा के नहीं रखते, हम उसको किसी बैंक में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें उम्मीद है प्रॉफिट की। और यहाँ प्रॉफिट का मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल फॉर्मेशन का, समझाने के लिए। तो देखो, जो देश विकसित होगा वहाँ की इनकम ज़्यादा होगी लोगों की, इनकम ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा करेंगी, और सेविंग ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होनी होनी है। और सिंपल सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखी है तो प्रॉफिट कम आने का सवाल ही उठता, प्रॉफिट भी आपका कम ही आएगा, सॉरी प्रॉफिट आपका ज़्यादा आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। एक सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड, व्यावसायिक ढांचा, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर थर्ड, व्यावसायिक ढांचा, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर क्या होता है, आप जानते ही हो गरीब लोग क्या करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कृषि। जैसा कि हम गांव में देखते हैं, गांव की आबादी मैक्सिमम गरीब होती है, वहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। आपको पता ही होगा कि आज भी 2020 में भी हमारे भारत के अंदर लगभग 55 से 60% लोग कृषि पर निर्भर करते होंगे। अगर नहीं पता तो आप डाटा चेक करना, इंटरनेट पर सर्च करना, मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, अंडर डेवलप कंट्रीज होती है, वहाँ पर कृषि की प्रधानता होती है। कृषि की प्रधानता का मतलब है कि ज़्यादातर वहाँ की आबादी पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज 60% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कृषि करती है। अगर वहीं दूसरी तरफ देखें, डेवलप्ड नेशन, विकसित देश, विकसित देशों में क्या होता है कि वहाँ की ज़्यादातर आबादी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जैसे कम्युनिकेशन, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन चीज़ों में घुसी हुई होती है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। उसके बाद जो आधी आबादी होती है वो घुसती है उद्योगों में, इंडस्ट्रीज। जैसे आपने सुना होगा कि विकसित देशों में इंडस्ट्रियल और प्रोफेशन वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जिनका अपना कुछ बिजनेस होता है या कुछ किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग ज़्यादा होते हैं। और थर्ड नंबर पर आते हैं कृषि, वहाँ के बहुत कम लोग, बहुत कम आबादी कृषि करती है, लेकिन वहाँ की जो थोड़ी आबादी कृषि करती है ना, उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है, जिसके पीछे रीज़न है टेक्निक, उसे हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लो कि बाहर के देशों में इंडिया से अच्छी टेक्निक है विकसित देशों के पास, जिससे वो थोड़ी थोड़ी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करती है, वो अपने देश का भी गुजारा कर लेते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, निर्यात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो आपको पता ही है, एक अल्प विकसित देश होता है, जैसे नेपाल लगा लो, भूटान लगा लो, ये सब क्या है, अल्प विकसित देश है। तो इनके पास क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि बाकी देशों की नज़र होती है इसके ऊपर। लेकिन कमी की बात क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज इतने अवेलेबल होने के बाद भी वो इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अब इससे होता क्या है कि जो उनके ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है, या तो बेकार हो जाते हैं या फिर वो अंडर यूटिलाइज, कम उपयोग किए ही बिना ही फेंक दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। लेकिन बात करें विकसित देशों की, डेवलप्ड नेशन की, वहाँ क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जितने भी संसाधन होते हैं उनका यूज़ बड़ी एफिशिएंटली करते हैं, वो थोड़े संसाधनों से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक, तकनीक। अब देखो आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड के जो थोड़े से विकसित देश हैं, वर्ल्ड के सिर्फ कुछ विकसित देश हैं, वो वर्ल्ड की 95% लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो आपके सामने, जैसे जापान है,
जापान 5G लॉन्च कर चुका है कब का, और हमारे यहाँ पे अभी भी मैक्सिमम आबादी 3G पे अटकी हुई है। 4G भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आबादी 3G पे डिपेंड है, लेकिन जापान 5G लॉन्च कर चुका है। तो यही फर्क है विकसित देश और अल्प विकसित देशों में। जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो विकसित देश टेक्नोलॉजी यूज़ करके छोड़ देते हैं, फिर हम उसे अपना लेते हैं। और आपको पता ही है कि टेक्निक पुरानी होगी तो उत्पादन भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्रीकल्चर में कोई मशीन लगाओ तब कितना उत्पादन होता है, और किसी बैल को लगाओ तब कितना उत्पादन होता है, आप समझ जाओगे इससे बढ़िया। 6 पॉइंट, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। अगर आप इसे ऊपर से देखोगे ना, तो दोनों पॉइंट आपको सेम लगेंगे कि दोनों का मतलब एक ही तो है, लेकिन अगर डीप जाओगे तो इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब होता है मेरे पास काम ही नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ घर में, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। वहीं बात करें अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे आप 20,000 की जॉब के लायक हो, आप में एलिजिबिलिटी है कि आप 20,000 की जॉब ले सकते हो, बट अवेलेबल जॉब है 10,000 की, या फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, आपको जॉब मिल रही है पार्ट टाइम, तो इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है बट कम मिल रही है, जितना आप एलिजिबल हो उतनी नहीं मिल रही। अब सिंपल सी बात है, आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी तो आप कम इनकम अर्न करोगे, सेविंग्स कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जनसंख्या पॉपुलेशन। अब देखो ये बात तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कितनी है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी पॉपुलेशन हमारी एक साल में बढ़ती है ना, उतनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की टोटल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना पॉपुलेशन के मामले में चाइना को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि उससे आगे निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इसे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, बट फिर भी और काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे देश के अंदर उद्योग लिमिटेड है, सर्विस सेक्टर लिमिटेड है, कृषि भी लिमिटेड है, लेकिन जो आबादी है वो अनलिमिटेड बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात है, जब आबादी ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है, तो लोग बेरोजगार होंगे, लोग बेरोजगार होंगे तो गरीबी का सामना करना पड़ेगा, फिर सरकार अपने दूसरे मोटिव से हटके गरीबों पे ध्यान देगी तो सरकार भी पीछे खिसक जाती है। जहाँ सरकार किसी और अच्छे मोटिव पे ध्यान देके देश को आगे बढ़ाने की सोच सकती है, वहीं सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़ते हैं लोगों को देखते हुए, क्योंकि सरकार सबको लेके चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कमजोर प्रशासनिक ढांचा। अब यहाँ पे बात थी सरकार की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन। देखो आपको पता है जो देश अल्प विकसित होगा, अंडर डेवलप होगा, वहाँ का प्रशासन बहुत कमज़ोर होता है, वहाँ पे ज़्यादातर नेता लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं और अकुशल होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह मैनेज करना है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, दो प्रेसिडेंट आमने सामने बैठते हैं और बताते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, फिर लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। बट हमारे यहाँ क्या है, बंदे को पता ही नहीं है कि इसकी एजुकेशन क्या है क्या नहीं है, और नेता बन जाते हैं। अब आपको सिंपल सी बात है, जो बंदा बिना पढ़ा लिखा बंदा नेता बन गया, वो पढ़े लिखों के बारे में क्या सोचेगा। तो इसे कहते हैं कमजोर प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट, बाजार। देखो यहाँ बाजार के दो मीनिंग है, एक तो बाजार जो मार्केट होती है वो, दूसरा चॉइस चैन। अगर बाजार का छोटा साइज होगा तो सिंपल सी बात है इनकम भी कम होगी, आप किसी छोटे बाजार में ऑपरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, यहाँ से कुछ खरीद बेच रहे हो आप, तो वहां पर आपकी इनकम भी कम ही होगी, और इनकम कम होगी तो सिंपल सी बात है देश विकास धीरे करेगा, क्योंकि जहां पर लोग इनकम कम अर्न कर रहे हैं देश कैसे तेज विकास कर सकता है। आज अमेरिका तेजी से विकास कर रहा है और विकसित हो चुका है वो, तो क्यों, क्योंकि वहां के लोगों की इनकम अच्छी है, सारे लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट वहां की ज्यादा है, इस वजह से वहां पर बाजार बड़े बड़े हैं, लोगों की इनकम ज्यादा और विकास भी ज्यादा होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10, विदेशी व्यापार में अस्थिरता।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी कहते थे, क्योंकि हम क्या करते थे, लगभग ना के बराबर आयात निर्यात करते थे। हालांकि आयात तो हम ज्यादा करते थे, निर्यात तो ना के बराबर करते थे। जो देश के अंदर है वही हम यूज कर रहे हैं, वही हम खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता था कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी विनिमय है, वो कम था या ना के बराबर था, और हमारे लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि अगर ये नहीं है तो वो ले ले, वो नहीं है तो ये ले ले। इससे क्या होता है, देश अंदर अंदर कमजोर होता है। अब देखो, जो देश अल्प विकसित होगा ना, उसके पास कच्चा माल ज्यादा होगा, तो कच्चा माल क्या करेगा, वो दूसरे देशों को निर्यात करेगा, विकसित देशों को, ताकि वो उसको बने हुए माल में परिवर्तित कर दे। जैसे प्राइमरी गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, हम बेचते हैं उनको प्राइमरी गुड्स, वो बेचते हैं हमें फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, आय का वितरण। अब देखो, जो देश विकसित होता है वहां आय का वितरण समान होता है। समान क्यों होता है, क्योंकि वहां पे लगभग सभी आबादी, सभी लोग अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन होता है सबके पास में, सबके पास में एक ऐसा काम होता है कि अपनी लाइफ अच्छे जी सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। लेकिन वहीं विकसित देश होते हैं कि एक तो आदमी बहुत गरीब है जो दो टाइम की रोटी भी नहीं खाता। हालांकि आप इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो कि रिक्शे वाले कैसे होते हैं बेचारे। आपको शायद एहसास नहीं होगा कि कई सारे रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो दो वक्त की रोटी खाने के लिए पूरा खून पसीना बहा रहे थे अपना। अब इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, या उस टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो पढ़ लिख सके, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, आज भी हमारे यहाँ पे कई सारे लोग गाँव में कह सकते हैं या शहरों में गरीब लोग भूखे सोते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशन, वहां पे आपको पता ही है आपको कि ना, हमारे इंडिया के लोग, कई सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं विदेशों में। अब देखो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि विदेशों में लेबर कम होती है। लेबर कम क्यों होती है, क्योंकि सारे लोग अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं, वो तो वो लेबर वाला काम करना नहीं चाहेंगे। अब आप खुद ही देख लो, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हो ना, तो आप लेबर का काम नहीं करोगे, आप बोलोगे मुझे अच्छा काम चाहिए जिसका कोई स्टैंडर्ड हो, ठीक है। आप लेबर को छोटा काम समझोगे उस टाइम पे, हालांकि काम को छोटा बड़ा नहीं होता, बट आपका नजरिया बदल जाता है देखने का। वहीं विदेशों में होता है, विदेशों में लेबर की कमी होती है, इसलिए वो इंडिया या फिर अल्प विकसित देश होते हैं वहां से लोग बुलाते हैं काम करने के लिए, और उनको अच्छा पैसा भी देते हैं, लालच देते हैं कि ये पैसा मिलेगा काम कर लो। क्योंकि देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का बंदा 500 रुपये पर डे ले रहा है ना, तो वहां का बंदा 2000 पर डे लेगा, तो उनको तो सस्ता पड़ रहा है इंडिया का बंदा, तो क्यों नहीं बुलाएगा। तो यही डिफरेंस होता है डेवलप्ड नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं। देखो, आपको पता है कि नेशन चाहे अंडर डेवलप हो या डेवलपिंग हो, वो ये चीजें फेस करता है, जैसे अंधविश्वास। आपको पता ही होगा आपके देश के अंदर कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग जादू टोने में बिलीव करते हैं, जाति प्रथा में बिलीव करते हैं, लोग अपना काम धंधा छोड़ के हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। अगर यही लोग काम धंधा करेंगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि पैसे कमाएंगे, पैसे खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे देश को, एक जगह से दूसरे बंदे की इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो विकास होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। दूसरा, वित्तीय संस्था। हमारे यहाँ लिमिटेड बैंक है, या कह सकते हैं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पे वित्त के साधन कम होते हैं, जिस वजह से कोई अगर बंदा नया बिजनेस खोलना चाहता है तो नहीं खोल पाता, या फिर कई ज्यादा पाबंदियां होती है, कई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तो लोग ना मजबूर हो जाते हैं कि छोड़ो यार कौन करेगा इतना, अपना जो काम करें वो करते रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अपने पुराने काम में फंसे हुए, कोई नया काम नहीं खोलोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके दो दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हो रहे हैं, वो बताता हूँ आपको, वो इस पे रिलेटेड है। अब देखो, इस चैप्टर में से तीन क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, और एक क्वेश्चन 99.9% आना ही आना है, और 20 मार्क्स का आता है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कवर करा दिया, अब बात रही बाकी के दो क्वेश्चन। बाकी के दो क्वेश्चन क्या होंगे वो बताता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका कि क्या भारत एक विकासशील देश है, इज इंडिया एन डेवलपिंग नेशन। तो इसका आंसर देखो, अगर आप लिख दोगे नो तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपको एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन में नो लिखने के नंबर नहीं देगा आपको। तो सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है।
अब आपने लिखा भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो आपके हाँ करने से आपको 20 नंबर नहीं मिलते, आपको इसको बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कैसे। तो देखो अभी इसमें 12 पॉइंट लिखे आपने, इतना सारा लिखा, तो क्या उसमें भी इतना याद करोगे? फिर थर्ड क्वेश्चन उसमें भी इतना याद करोगे? नहीं भाई, इतना परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया कि अल्प विकसित देश विकसित देश, अल्प विकसित देश विकसित देश। तो देखो जो आप ना अपने अल्प विकसित देशों की विशेषता याद करी है, आप उसमें क्या क्या करोगे? आप लिखोगे हाँ भारत एक विकासशील देश है, और यही सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख दोगे, बस इसको 12 से जोड़ देना। जैसे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, भारत में इनकम कम जनरेट होती है तो सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है निवेश कम होता है, निवेश कम होता है कैपिटल फॉर्मेशन कम होती है। आप लिखोगे कि भारत का व्यवसाय ढांचा कमजोर है, वहां पर कृषि की प्रधानता है। आप लिखोगे कि प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है पर उपयोग कम होता है। आपको लिखना है टेक्निक कम है, या फिर लेटेस्ट टेक्निक टेक्नोलॉजी कम यूज करते हैं। आपको लिखना है बेरोजगारी का स्तर ज्यादा है। आपको बताना है जनसंख्या ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो पॉवर्टी ज्यादा है। आपको बताना है कि प्रशासन अकुशल है, भ्रष्ट है। आपको लिखना है बाजार का छोटा आकार है, आय कम होती है, विकास कम होता है। आपको बताना है कच्चा माल ज्यादा होता है जिसे निर्यात करते हैं, बना हुआ माल आयात करते हैं। आपको बताना है कि आय का वितरण असमान होता है। आपको बताना है यहाँ पे अंधविश्वास ज्यादा होता है। आपको कुछ अलग से नहीं करना, आपको इन्हीं पॉइंट को टेप दोगे, यहाँ पे उठाया और रख दिया, बस काम खत्म, आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट, सिंपल इजी। इसे कहते हैं 3 in 1, जैसे 2 in 1 आपने सुना होगा, यहाँ है 3 in 1 कि एक क्वेश्चन करो बाकी 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गया हमारे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो देखो जो मैंने आपको कराया ये, हालांकि क्वेश्चन था हमारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, बट है तो दोनों में अंतर ही, या विकसित अल्प विकसित, विकसित अल्प विकसित, विकसित अल्प विकसित, क्वेश्चन तो वही, टॉपिक तो वही है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, खाली बीच में एक लाइन खींच देनी है, टी बार, बीच में आपने टी बार बना दिया, यहाँ पे विकसित यहाँ पे अल्प विकसित, और इन्हीं पॉइंट्स पे लिखना है, यहाँ पे विकसित वाली बातें लिख दोगे, यहाँ पे अल्प विकसित की, काम खत्म, आपके 3ों क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और हाँ ये मेरी गारंटी है कि ये इस चैप्टर में से इन 3ों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आने आना है, कम से कम 10 नंबर का, 10 नंबर का कभी कभार आता है, 20 का ही आता है मैक्सिमम, कम से कम 10 का, मैक्सिमम 20 का। तो आपका ये समझ लो एक क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपके एक क्वेश्चन के अंदर ही, और आपका 20 नंबर का टॉपिक कवर हो चुका है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा मैं।